सो गाइस फाइनली ओप्पो के काफ़ी सारे डिवाइस में कलर ओएस 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन गाइस जिन डिवाइस में अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है सो गाइस उन डिवाइस के यूजर्स को ना इट मींस यार कुछ ही यूजर्स को अपडेट देखने के लिए मिला है, अभी तक सारे यूजर्स को अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस सारे यूजर्स को अपडेट देखने के लिए क्यों नहीं मिला है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि सारे यूजर्स को अपडेट कब तक देखने मिल जाएगा, इस अपडेट का कंफर्म डेट क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप ओप्पो का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो गाइस वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ओप्पो के काफी सारे डिवाइस में कलर ओएस 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि गाइस ओप्पो F19, ओप्पो F19 प्रो प्लस, ओप्पो F19s, ओप्पो F17, ओप्पो F17 प्रो, ओप्पो रेनो 6 प्रो, ओप्पो रेनो 6, ओप्पो रेनो 5 एंड ओप्पो रेनो 5 प्रो, ओप्पो रेनो 7 एंड ओप्पो रेनो 7 प्रो डिवाइस में गाइस और भी बहुत सारे डिवाइस है जिनमें अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन गाइस अपडेट ना कुछ ही यूजर्स को देखने के लिए मिला है। सो गाइस ये जो अपडेट कुछ ही यूजर्स को देखने के लिए मिला है ना वो गाइस बीटा अपडेट था। एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि बीटा अपडेट जो रिलीज कराया जाता है ना वो टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज कराया जाता है, क्योंकि गाइस टेस्टिंग पर्पस के लिए इसी वजह से रिलीज कराया जाता है कि बीटा अपडेट में ना कुछ बग एंड इशू देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि हीटिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम, बैटरी ड्रेन का इशू देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइस ऐप वगैरह ना स्लो वर्क कर सकता है, इसी वजह से यार बीटा अपडेट रिलीज कराया जाता है। बीटा अपडेट रिलीज कराने के बाद जो भी बग एंड इशू बीटा अपडेट में देखने के लिए मिलता है वो बग एंड इशू फिक्स करने के बाद कुछ दिन बाद आप लोगों को ना स्टेबल अपडेट इट मींस यार ऑफिशियल वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिलता है। सो गाइस इसी वजह से ना अभी कुछ ही यूजर्स को अपडेट देखने के लिए मिला है, क्योंकि गाइस बीटा अपडेट देखने के लिए मिला है इसी वजह से। सो गाइस अगर हम बात करें ना कि जिन यूजर्स को ना कलर ओएस 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 का अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, सो गाइस उन्हें फाइनली अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस तो अगर आप लोग ना आप अपने डिवाइस को अगर आप ओप्पो के कोई भी डिवाइस को यूज करते हैं एंड गाइस आप लोग के डिवाइस में ना बीटा अपडेट देखने के लिए मिल गया है, सो गाइस तो आपको जब से आप बीटा अपडेट देखने के लिए मिला है तो उसके अप्रोक्स यार 2 से 2.5 महीने बाद ना आप लोग को ऑफिशियल वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस जिनका डिवाइस बीटा अपडेट में अपडेटेड नहीं है तो गाइस उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उन्हें हो सकता है कि 3 से 3.5 महीना का टाइम लग सकता है। तो गाइस आप लोग को मालूम होगा कि ये जो बीटा अपडेट देखने के लिए मिलता है ना इसमें अगर कोई भी बग एंड इशू देखने के लिए मिलता है तो वो बग एंड इशू को फिक्स करने के बाद उसके बाद यार सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट होता है, उसके बाद भी अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस अपडेट अप्रोक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइस इसी वजह से यार थोड़ा सा तो लेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे बीटा यूजर्स का अभी टेस्टिंग चल रहा है, जिन डिवाइस में बीटा वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिल गया उन डिवाइस में उसके कुछ महीने बाद आप लोगों को ऑफिशियल वर्जन का अपडेट मिलना स्टार्ट होगा। तो गाइस जिन यूजर्स को अपडेट देखने के लिए नहीं मिला वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिलेगा, बस कुछ टाइम आप लोग वेट कर लो यार, कुछ महीनों के अंदर अंदर आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि जिन यूजर्स ना अपने डिवाइस को कलर ओएस 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 के बीटा अपडेट में अपडेट किए हैं एंड गाइस उन्हें कुछ बग एंड इशू देखने के लिए मिला है तो गाइस वो बग एंड इशू को कैसे फिक्स करेंगे। सो गाइस ये बग एंड इशू को ना आप अपने से फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि गाइस ये एक अपडेट में देखने के लिए मिला है बीटा अपडेट में। एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि बीटा अपडेट टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज करा जाता है। सो गाइस इसके बाद आप लोगों को जो एक नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए मिलेगा ना उस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा, या फिर आप लोग को ऑफिशियल वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिलेगा उस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद ही सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट होगा, वो भी स्टेबल अपडेट। एंड गाइस स्टेबल अपडेट जो देखने के लिए मिलता है ना तो उस अपडेट में आप लोगों को कोई भी बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। सो गाइस आप लोग निश्चिंत रहो, आप लोगों को कुछ महीने के अंदर अंदर अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा एंड वो भी बग फ्री अपडेट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यार टेस्टिंग ऑलरेडी बीटा यूजर्स पे हो जाता है। सो गाइस इसी वजह से ऑफिशियल वर्जन जो अपडेट रिलीज कराया जाता है ना वो रिलीज कराया जाता है, उस अपडेट में कोई भी बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। इन सभी
डिवाइस के सभी यूजर्स के लिए कलर ओएस 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलना स्टार्ट होगा। तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। सो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।